फेबर एंड मैंने लेके चला है आई एम अज्यूमिंग दट से टू विल बी हेल्ड समवेयर अराउंड मार्च यू विल सी इन द टाइम टेबल बिलो आर बी आई फेज वन आई एम अज्यूमिंग दैट इट विल बी हेल्ड समवेयर अराउंड मे एंड ये मैंने एजाम्स कुछ लेके चले हैं जिसमें कि सेबी के एजाम्स तो सही होने के पूरे पूरे चांसेस हैं वेरी हाई चांसेस RBI, we will come to know in the next one or two months. So, what do we do? How do we prepare for both of them together going forward from this day onwards? What to do, what not to do, what kind of timetable to follow to make sure that you are prepared for both the exams and you're not missing out on anything. Pura detailed timetable Excel. Mein. The timetable is available in the description also. You can download it. Uska PDF. This timetable has already been provided to the enrolled students in the इंट्रोडक्शन फोल्डर ऑफ देयर कोर्स वेयर वी हैव सेक्शन वहां पे जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो so exactly December, तो व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर दीज टू एग्जाम्स टुगेदर फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स डिसंबर को हम हटा रहे हैं जनवरी ऑनवर्ड्स दो ब्रॉड स्ट्रेटजी दो मैं आपको बताना चाहता हूं नंबर वन टू एक्टिव रिविजन एवरी डे एवरी नाइट बिफोर यू गो स्लीप

Uh, reduction in chances of your selection because of lack of active revision the second is take one test at least every week with a detailed analysis now four months back i created a video on detailed analysis also reverse learning how do you take a test how do you create your own test and how do you analyze your own test please make sure that you're doing at least this once every week

सिलेक्शन सिंपल तरीके से होता है पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ अच्छे से रिविजन करके जाओ टेक इनफ टेस्ट नो बड़ी गैंड सॉप योर सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स लेट मी एक्सप्लेन टू यू द टाइम टेबल ब्रीफली कि मैंने किस तरह से क्रिएट किया है वेन वी स्टार्ट फ्रॉम जनवरी मैंने 10 10 दिन के स्लॉट्स बनाए हैं इन मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन सो एवरी डे इज डिवाइडेड इन टू टू सेशन दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डन

फर्स्ट टेन डेज यू गोन टू कवर क्वॉंट अलोंग विद आप पेपर वन भी उठा रहे हो पेपर टू भी उठा रहे हो द रीजन आई एम टेकिंग अपने की आपको ऐसा ना लगे दैट यू आर नॉट कवरिंग वन पार्ट ऑफ द सिलेबस यूर टू मच फोकस्ड ऑन अनदर पार्ट ऑफ द सिलेबस इसलिए दोनों को साथ में उठाया है टेन डेज इज एन ऑफ फॉर क्वॉंट आफ्टर अक यू टेक अ सेक्शनल टेस्ट हाउ डू यू क्रिएट योर ओन सेक्शनल टेस्ट ये चेतन सर आपसे जल्दी ही डिस्कस करेंगे एक अनदर एक दूसरे सेशन में वेन ही विल टॉक अबाउट वॉट इज द अ सेक्शनल टेस्ट एंड हाउ कैन यू क्रिएट योर ओन सेक्शनल टेस्ट सिमिलरलीवन डेज सिक्स डेज सेवरिंग सेक्शनल टेस्ट अगैन जो भी आपने यहां तक पढ़ा है उसका आप टेस्ट ले सकते हो यू कवर कंट इन दिमेनिंग टाइम पीरियड एंड देन यू टेक अनादर सेक्शनल टेस्ट टू फिनिश बोथ दब्जेक्ट क्वॉन्ट एज वेल एज फाइनेंस नाउ लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स माई टास्क सर टेन डेज में फाइनेंस तो नहीं हो पाएगा और टेन डेज में क्वांट वी कैन नॉट मास्टर क्वांट वी कैन जस्ट प्रॉब्ली कवर द कॉन्सेप्ट दैट इज ऑल आई वॉन्ट यू टू डू आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन ओनली इन दिस टाइम पीरियड क्योंकि रिविजन का आपको बहुत टाइम मिलेगा टेस्ट लेके रिवर्स लर्निंग करने का यू विल गेट अ लॉड ऑफ टाइम टू डू दैट इज वेल योर फोकस राइट नाउ शुड बी ऑन हैविंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट Even covering it once is enough for that. Okay. 10 days is good enough a time period to ensure that your conceptual clarity is there. After quant and finance, you move to reasoning and management. Again, one subject of paper one, one subject of paper two. You repeat the same cycle. You cover it for certain days, then take a sectional test, then cover it again, and then take a final sectional test. Total of 10 days have been allocated to both reasoning and management so in the first 20 days of january you're done with four subjects quant reasoning finance management in the last 20 day, in the last 10 days you cover two subjects of paper 2 accounts and costing the reason they are being covered together is because they have a lot of overlap with each other dono mein numericals hain dono conceptual understanding conceptual framework similar hai. that is why they should be covered together finance and management have been covered first have been covered first because they are found in both SEBI and RBI. So, because our title was or our focus area is how to prepare for both of them together, when you are covering quant, when you are covering reasoning, when you are covering finance, when you are covering management, you are preparing yourself for both SEBI and RBI together. Okay? You don't have to worry about preparing for RBI separately at this point of time. This timetable it's more than enough. You can probably cover more if you have time, if you are a student who is not working. प्रिपेयरिंग फुल टाइम तब आपके पास समय है यू कैन कवर करेंट अफेयर्स इन द मेन टाइम बीच में समय निकाल के एंड दैट वीज यू कैन हैव अड स्टार्ट और हैड ऑफ अदर स्टूडेंट्स बिकॉज एट द डे इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम कमिंग बैक जनवरी हमारा ऑलमोस्ट निकल गया है अकाउंट्स कॉस्टिंग इज द लास्ट सब्जेक्ट दैट वी वॉज सपोज टू डू एंड वीव कवर्ड दैट टिल थर्टी फर्स्ट जनवरी वी क्लोज इट विद सेक्शनल टेस्ट ऑफ बोथ अकाउंट्स एज वेल एज कॉस्टिंग उसके बाद आएगा हमारा फेबर नाउ दी फेज दन ऑफ सेबी इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड बाय द द एंड ऑफ दैट इज लेटेस्ट उससे पहले होने के चांसेस नहीं है व्हाट डू यू डू इन दैट सिनेरियो इफ इट इज हेल्ड बाय द एंड ऑफ फेबर यू स्टार्ट विद द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स नंबर वन दैट इज इकोनॉमिक्स एंड एंड कंपनीज एक्ट यू कवर देम इन द फर्स्ट टेन डेज दस दिन आप कुछ नहीं बस करोगे बस इकोनॉमिक्स और कंपनीज एक्ट कवर करोगे बिकॉज आफ्टर दीज टेन डेज जो फोकस इज कंप्लीटली गोइंग टू बी ऑन टेस्ट्स एज़ वेल एज़ जीके वो हम उठाएंगे लास्ट 20 डेज में टेस्ट्स एंड जीके तो पहले दस दिन यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स इकोनॉमिक्स एंड कंपनीज एक्ट यू कवर दीस टू सब्जेक्ट्स बिकॉज़ पेपर 2 इनके बिना कंप्लीट नहीं होगा फ्रॉम 11th फरवरी ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट विद टेस्ट्स आप एक दिन लोगे पेपर 2 का टेस्ट एंड यू विल एनालाइज इट थोरली

Because in RBA 247, we cover SEBI website and various other financial websites. In Spotlight, we cover everything that is required for phase one of RBI as well as SEBI. This is more than enough. So, this is what you start with from 13th Feb onwards. One day you allocate to covering, let's say we started in November, so we will start in November. Pe ke, jitna hai, Similarly, RBA 247, November. The next day, you take another test of paper two. So, one day you are taking a test of

तो ही नहीं सकता ट्वेंटी तक हम यही चलाएंगे तो तक हमने ये चला दी है, ठीक है इट कैन बी हेल्ड एनी टाइम बेस्ड अपॉन दैट वी कैन चेंज आर लिटिल बिट थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं देन कम्स मार्च योर फेज वन ऑफ सेबी इज ओवर फेज वन ऑफ सेबी इज ओवर

इंग्लिश आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट करेंगे इस टाइम पीरियड में और यहां पर हम लोग बहुत ज्यादा एसरेज आपको लिखवाएंगे रेगुलरली टेस्ट के थ्रू थ्रू विच यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ एसरे राइटिंग प्रेसी राइटिंग ये सब आप अच्छे से सीख पाओ हमारे साथ लिखकर यही सेम फॉर्मूला मैं भी यूज करूंगा एवरी फोर डेज आई एम गोइंग टू हैव अ टेस्ट विद यू वन पेपर टू टेस्ट एंड वन इंग्लिश टेस्ट

काउंट्स माइट टेक मोर डेज तो वो आप एडजस्ट थोड़ा बहुत कर सकते हो मैंने स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया कि तीन दिन मैक्सिमम आपको रिवाइज करना है और फिर उसके बाद टेस्ट लेना है और टेस्ट में एनालिसिस में रिवर्स लर्निंग भी करनी जरूरी है एंड देन यू का और इंग्लिश का ये दोनों आपको करने हैं वी कीप रिपीटिंग दिस साइकिल आफ्टर दैट वट एवर टाइम वी हैव लेफ्ट वी एलोकेट दैट टू टेकिंग टेस्ट पेपर टू का टेस्ट एंड इंग्लिश का टेस्ट ये हम लोग फिर रेगुलरली लेंगे रोज डेली वीट टू राइट अ टेस्ट टिल आर एग्जामिनेशन हमारा एग्जाम कभी भी मार्च में हो सकता है इन तीस दिन में हम लोग इस तरह से कवर करेंगे दिस द बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट यू कैन क्रिएट जिससे कि आप यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर थ्रू रिवर्स लर्निंग यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर्स थ्रू एनालिस ऑफ योर टेस्ट एंड यू कैन टेक अ लॉर्ड ऑफ टेस्ट एज वेल

डन विदिक्स ऑफ रीजनिंग डेप्थ में अगेन कवर नहीं किया है बट बेसिक्स कवर कर लिएइट क्वॉन्ट रीजनिंग उसके बाद आता है हमारा फाइनेंस वी आर डन विद इन डेप्थ स्टडी ऑफ फाइनेंस एज वेल एज मैनेजमेंट बिकॉज बोध दीज सब्जेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर से बी तो हम अच्छे से कवर कर चुके हैं नाउ स्पॉटलाइट वी आर कवर्ड वे वी आर डन विद फोर मंथ ऑफ स्पॉटलाइट तो हमारा सारा बैकलॉग खत्म हो चुका है वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन करंट अफेयर्स ऑल्सो वी आर डन विद मंथ्स ऑफ आर बी ये सब हम कर चुके हैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो वी आर डन विद इन अ वेरी थरो मैनर हमने आठ से दस टेस्ट लिखे विच इज गुड इनफ वट ऑल आर वी लेफ्ट विद वी आर लेफ्ट विद ई एस आई इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज इफ यू नॉट कवर्ड इट येट यू कैन कवर इट लेटर अप्रैल में हम कवर करेंगे उसका टाइम मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर पी आई बी करेंट अफेयर्स हमारा बचा है एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स, जिसको जिसमें आता है गवर्नमेंट स्कीम्स इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट एनुअल सर्वे जो भी होते हैं एनुअल रिपोर्ट इंडेसेज बहुत सारे जो आते हैं ऑल दीज थिंग्स का टॉपिक वाइज करेंट अफेयर इसको हम टॉपिक वाइज करेंट अफेयर बोलते हैं दैट इज द नेम दीवार तो ये तीन चीजें आपकी बची हैं

यू कैन इग्नोर दीज टू फाइनेंस मैनेजमेंट टिल फेज टू फेज वन के बाद आप इसको उठाओगे एंड यूर ऑब्जेक्टिव टू रिवाइज दिस एज वेल ये आपकी ऑब्जेक्टिव है अप्रैल और मई के महीने में करने के लिए क्लियर है प्लीज राइट इट डाउन इफ यू वॉन्ट टू इट विल गिव यूवन मोर क्लैरिटी सो आर ऑब्जेक्टिव इज टू कवर ई एस आई कवर पी आई बी करेंट अफेयर टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स

फेब्रवरी तक की आपकी स्पॉटलाइट कवर्ड है की आप तीन दिन में मैक्सिमम कवर कर सकते हो मेरे हिसाब से दो दिन में भी हो सकती है बट लेट से थ्री डेज आफ्टर यूर डन विदेशनल टेस्ट ऑफ प्वांट एंड देन यू स्टार्ट विद रीजनिंग फॉर सेवन डेज एंड यू टेक अट रीजनिंग प्लस इट्सिस इन दी आफ्टरनून सेशन आफ्टर यूर डन विद स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट आपका अपटू डेट हो गया नाउ यू कवर पी आई बी इन द नेक्स्ट टेन डेज आपको ऑब्जेक्टिव है पीआईबी आई दस दिन में तीन से छह महीने का एटलीस्ट कवर करना है जितना कवर हो जाए अच्छा है जो नहीं कवर होगा उसको हम बाद में उठाएंगे हाउ डू यू कवर पी और हाउ डू यू कवर करेंट अफेयर्स लेट्स तो आपने सेकेंड मार्च का पी उठाया और आपका फर्स्ट मार्च का पीआईबी भी पेंडिंग था सो यू पे का फर्स्ट मार्च पीआईबी।

लूड्स बजट जो कि अभी आएगा न्यू बजट दिस इंक्लूड्स इंडिज एंड रिपोर्ट दिस इंक्लूड्स एनुअल सर्वे एज वेल तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी टॉपिक वाइज करेंट के अंदर इंक्लूडेड हैवरिंग दीज एंड वाइम वी आर लेफ्ट विद इन एप्रिलोकस ऑन टॉपिक वाइज करेंट ओनली ओके लेट्स मूव डाउन एंड सी हम पूरे मंथ के एंड तक टॉपिक वाइज करंट ही करेंगे मैंने आपको बताया था कि ई हमने कवर नहीं किया है सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू कवर ई एस आई बिफोर यू मूव इन टू योर डेडिकेटेड फेज वन प्रेप इन में एक महीना बहुत है डेडिकेटेड फेज वन प्रेप के लिए जहां पे आप फेज टू को देखोगे भी नहीं यू कंप्लीटली फोकसिंग ऑन फेज वन ओनली बिफोर दैट यू कैन एलोकेट अबाउट टेन डेज टू ईस आई सेवन टू टेन डेज में ई एस आई का मेजोरिटी सिलेबस उठा के खत्म करने की कोशिश कर सकते हो इफ यू कैन सेव टाइम ऑफ इंग्लिश डे यू कैन इवन एक्सपैंड कवर कर सकते हो बिकॉज आफ्टर फेज वन आरिंगेज टू सिलेबस तो ये बेस्ट टाइम है ई एस आई कवर करने के लिए मे में हम लोग फेज टू का कुछ नहीं उठाएंगे वे गोड कम्प्लीटली फोकस ऑन फेज वन फेज वन में क्या क्या आता है वी हैव करेंट अफेयर्स जिसमें कि पी आई भी आएगा जिसमें की टॉपिक वाइज करंट आएगा एंड स्पॉटलाइट आएगा दीज थ्री आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ करंट अफेयर्स देन वी हैव करेंट रीजनिंग इंग्लिश ठीक है तो अभी किस तरह से कवर करना है सी फर्स्ट में इन द मॉर्निंग सेशन आफ्टरनून सेशन में स्पॉटलाइट रिविजन और अप्रैल का स्पॉटलाइट कवर करोगे सेकेंड में यू टेक अ टेस्ट ऑफ फेज वन एंड देन यू एनालाइज दिस टेस्ट थ्रू दिस एनालिसिस यू प्रिपेयर फॉर क्वॉन्ट रीजनिंग एन इंग्लिश बिकॉज अभी कॉन्सेप्ट वापस जाने का कोई फायदा नहीं है नाउ इज द टाइम टू एक्सपैंड योर स्कोर्स टू इंक्रीज योर स्कोर्स एज मच एज पॉसिबल बाय प्लाटिंग द लूप होल्स जो भी लूप होल्स हैं आपकी प्रेप में जो कि वीक एरियाज हैं उनको कवर करते हुए चलो एंड दैट कैन बी डन थ्रू एनालिसिस एंड रिवर्स लर्निंग ये बेस्ट तरीका है इसकी वीडियो नहीं देखिए तो देख लेना गूगल करोगे यूट्यूब पर सर्च करोगे मिल जाएगी

एंड स्पॉटलाइट खत्म हुआ आई हैव मूव टू टॉपिक वाइज करेंट अफेयर जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स एवरी ईयर एटलीस्ट फाइव क्वेश्चन वो आप छोड़ नहीं सकते ये आपको अभी रिवाइज करने होंगे इंडेसिज से दो तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं यू हैव क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम सर्वे एंड बजट ऑलवेज इन फेज वन वो सब आपको यही मिलेंगे

चार ही चीजें आपके पास रिवाइज करने के लिए यही रिवाइज करना है खाली स्पॉटलाइट रिवाइज करके जाओगे आई नो दैट यू विल गेट बैड मार्क्स इन फेज वन बिकॉज फेज वन इज नाउ नॉट जस्ट अबाउट स्पॉटलाइट इट इज ऑल्सो एडिशनली अबाउट पी आई बी करेंट अफेयर आरबीआई करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स स्पॉटलाइट छोड़ के जाओगे इफ यू कवर दी अदर थ्री देन ऑल्सो यू विल लूज मार्क्स बिकॉज स्पॉटलाइट से भी कुछ नहीं तो तीस से चालीस क्वेश्चन तो आते ही आते हैं तो उनके बिना तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता ठीक है स्पॉटलाइट तो कवर करनी ही करनी है बट अलोंग विध स्पॉटलाइट ये सारे अलग मैगजीन जो मैं देता हूं वो भी कवर करनी जरूरी है साइकिल well. okay. चलने दोगे टिल द टाइम द एग्जाम इज हेल्ड और जैसे एग्जाम हो जाएगा उसके बाद वी स्टार्ट विद फेज टू प्रेप ऑफ आर बी आई एग्जामिनेशन फेज टू प्रिपरेशन का मैंने अभी नहीं डाला है आई गुड फोकस ऑन दैट दैटल लेटर जब हमारे हाथ में नोटिफिकेशन होगा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी एज टू वेन द एग्जामिनेशन एग्जामिशन बी हेल्ड वील टॉक अबाउट दैट सेपरेटली देन बट राइट नाउ अगले चार से पांच महीने का जो स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूं दिस इज द मोस्ट यूजफुल फॉर यू इसको डाउनलोड करो इसको डे बाय डे फॉलो करो यू कैन राइट द टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग कि भाई मेरा ये टॉपिक वीक है तो मैं उठा लेता हूँ इनको टाइम स्पीड डिस्टेंस इज वीक एवरेज इज स्ट्रांग सो आई एम डोंट नीड टू कवर एवरेज अगेन आई नीड टू फोकस ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस इन सच अ वे यू कैन फोकस मोर एंड यू कैन स्पेंड मोर टाइमिक्स दैट मैटर टू यू दैट यू वीक एन एंड स्ट्रॉग एन ओके इसीलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक्स के नाम नहीं डाले हैं बट मैंने सब्जेक्ट्स के नाम डाले हैं कि इतने टाइम में आपको ये सब्जेक्ट तो कवर करना ही करना है इफ यू हैव एनी डाउट इफ यू वॉन्ट मी टू यू न टॉक अबाउट समथिंग एल्स रिलेटेड टू द अपकमिंग से बी एग्जाम और आरबी एग्जाम फील फ्री टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो जिससे कि मैं उन उनपे भी वी वीडियोज बना पाऊँ आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ ज्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी के थ्रू भी एडवांटेज मिले दे कैन प्रिपेयर ऑन देर ओन दे कैन क्लियर द एग्जामिनेशन बाई प्रिपेयरिंग बाई दिम सेल्व एज वेल ओके आई एल सी यू वेरी वेरी सोन आई होप यू लाइक द वीडियो यू कैन डाउनलोड द पी डी एफ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट टू मी एज वेल एंड यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो यू कैन ऑल्सो कॉल द काउंसलर्स ऑन दिस नंबर डबल नाइन डबल नाइन फोर डबल सिक्स डबल टू फाइव ओके और यू कैन गो टू द वेबसाइट व्हिच इज कॉल्ड एज अनुजिंदल डॉट इन जहां पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कंसर्निंग द एग्जामिनेशन आर बी एस सेबी एन नबार्ड आई सी यू वेरी वेरी सुन अगेन ऑल द बेस्ट गाइस टेक केयर बाय बाय जय हिंद